नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। गया नगर निगम गया के द्वारा अनुसूचित जाति परिवार के सेवानिवृत्ति या मृत्यु के उपरांत पारिवारिक पेंशन नहीं दी जाने पर लगभग 125 परिवार आर्थिक संकट आ जाने के कारण भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। नगर निगम के पारिवारिक पेंशनधारी राष्ट्रीय मानव अधिकार प्रदेश अध्यक्ष के कार्यालय आप बीती सुनाए पारिवारिक पेंशनधारियों में शिमनी देवी, ललिता देवी, सीता देवी ने बताया कि हम लोग के पारिवारिक पेंशन मिलता था, लेकिन हम लोग का पेंशन बंद कर दिया गया, जिससे हम लोग की भुखमरी की स्थिति बन गई है। पेंशनधारियों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने कहा कि आप लोग को जो पेंशन मिलता था वह पेंशन क्यों बंद कर दिया गया, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। सारे पेंशनधारियों ने बताया कि नगर निगम में मेरे बात को सुनने वाला कोई नहीं है, कोई स्पष्ट बात नहीं बताता। राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा ने नगर निगम के आयुक्त से मांग की है कि नगर निगम के पारिवारिक पेंशनधारियों को पेंशन नहीं मिलने पर भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, विशेष रूप से उन परिवारों के लिए जिनकी आय का प्रमुख स्रोत पेंशन है। इस धनराशि के बिना जीवन यापन करना बेहद कठिन हो सकता है। पेंशन न मिलने से परिवार की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य सेवाएं और बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। पेंशन न मिलने का कारण प्रशासनिक लापरवाही, कागजी कार्रवाई में देरी या सिस्टम की खामियां हो सकती है। इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए सरकार और संबंधित विभागों की तत्परता से काम करना चाहिए। पेंशन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, जिससे पारिवारिक पेंशन मिल सके। नगर निगम के आयुक्त से मिलने के बाद पूरी जानकारी प्राप्त होने पर पेंशनधारी परिवारों के साथ न्याय के लिए गुहार लगाएंगे। साथ ही साथ बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन से मिलकर नगर निगम के इस कारनामे की जानकारी देंगे, ताकि गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिल सके। नमस्कार, न्यूज 24 में आपका स्वागत है। यहाँ पर आए हुए मनीष सर PTIT मार रहा हूँ और PNI में भी आपका स्वागत है। यहाँ पर आए हुए मनीष कुमार सर, निशा सर, सर सर के पास, और यहाँ पर नगर निगम के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं, जिसे हम पूछना चाह रहे हैं। क्या था मामला नगर निगम का सर, बताएगा? नगर निगम को ज़्यादा मामला नहीं है, मामला ये है कि नगर निगम ने जो 700 लोगों को पेंशन, धारी लोगों को पेंशन रुके हुए हैं, जो भुखमरी की कगार पर है। मैं आग्रह करता हूँ निवेदन नगर निगम से, और निवेदन करता हूँ कि वो पेंशन पुनः चालू किया जाए। और नगर आयुक्त से भी मांग करता हूँ, वो बहुत ही गरीब लोग हैं, उनको भुखमरी के कगार पर है। मेरा निवेदन है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको फिर से पेंशन दिया जाए, क्योंकि लोग भुखमरी के कगार पर है, उसे भूखे नहीं मरे। और गरीब लोग दुआ ही देंगे, कोई आपका घर का चीज नहीं, ये नगर निगम की चीज़ है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उनका पेंशन फिर से चालू किया जाए, कि वो लोग जी खा सके, जो भी मिलता है उसको गुजारा हो सके। तो भुखमरी कगार पर है, उनको जीने के लिए कुछ तो सहारा हो जाएगा। मेरा यही आग्रह है, यही निवेदन है। सर, ये कब से बंद है? कुछ महीने से बंद है ये, पुनः चालू करने की मैं मांग करता हूँ। और जो भी पानी वगैरह व्यवस्था है, कूड़ा कचरा, तो नगर निगम फिर से देख ले, तो लोगों को परेशानी ना हो। मैं बार बार नगर निगम से निवेदन और आग्रह करता हूँ कि रोड पर जो कूड़ा जहाँ तहाँ फेंका हुआ है, नली निकाल के छुड़ा हुआ है, उसको उठवा ले, क्योंकि नली का सूख के अब धूल के रूप में हो गया है। इतना ना रोड पर डस्ट उड़ता है कि आप अगर बाइक से चल जाइएगा, कालीवाड़ बाईपास से अगर चौक, तो पूरा आपका आँख और चेहरा पूरा धूल से भर जाएगा। तो अभी खुद जब यहाँ की जनता से भी आप लोग जान सकते हैं कि क्या हाल है रोड का, क्या हाल है रोड का नहीं। और थोड़ा पानी पर भी अगर मेरा बार बार है कि ये सुधार करें, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मिश्रा, समाज सेवी, भाजपा नेता, गया जी। मैं नगर निगम से मांग करता हूँ कि जो भी पेंशनधारी को पेंशन रोक है, लगभग 700 लोगों को पेंशन रोक से पेंशन दिया जाए, ताकि अभी की डेट में वो भुखमरी के कगार पर है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कोई भी आदमी बिना भूखे हुए मर जाए, बिना खाए हुए मर जाए। इसलिए मैं नगर निगम और नगर आयुक्त से मांग करता हूँ कि वो फिर से अपना पेंशन धारी को पेंशन दिया जाए, ताकि वो भूखे नहीं रहें और भुखमरी के कगार पर नहीं रहें। जो भी बन पड़े उसको खाए, ये नहीं कि भूखे नहीं मर जाए। पेंशनधारी को पेंशन दिया जाए, ताकि वो अपना जीवन यापन फिर से बसर कर सकें भुखमरी के कगार। और मैं ये भी मांग करना चाहता हूँ नगर निगम से कि रोड पर जो भी कूड़ा कचरा फेंका हुआ हो, उसे दुरुस्त किया जाए,
और जल की समस्या को दूर किया जाए। फिर से हुआ, मैं एक बार फिर मांग करता हूँ, पूरे शहर में जो भी अभी नाली निकाल के छोड़ा हुआ है बहुत ही डस्ट के रूप में हो जाता है। और बाईपास से आप जाइएगा, अगर टावर चौक पास से आपको पूरा चेहरा डस्ट से आवाक में पूरा डस्ट भर जाएगा, क्योंकि वो नाली का कचरा डस्ट के रूप ले रहा है ना। इसी वजह से मैं मांग करता हूँ कूड़ा जल्दी से जल्दी उठा दिया जाए, अब पूछा कूड़ा कचरा पर ध्यान दिया जाए और पानी पर भी ध्यान दिया जाए। मैं डॉक्टर मनीष पंकज मनीष मिश्रा सवाल से भी भाजपा नेता दिया जी बिहार। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।